विजय शंकर तिवारी जी, देखिए बात सारी मंशा पर आकर टिक जाती है, जो मुझे मूल जड़ समझ में आ रही है। जो असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हैं कि एक मस्जिद हमने खो दी, हम दूसरी मस्जिद नहीं खो सकते, क्योंकि उन्हें डर इसी बात का है कि आज आप सर्वे की बात कर रहे हैं, कल को आप ये कहेंगे कि नहीं, जब ये सर्वे में ये पाया जाता है कि ये कभी मंदिर था जिसे तोड़कर यहाँ पर मस्जिद बनाई गई, तो अब इसे जो है मंदिर का रूप दे देना चाहिए। ऐसे करते करते आप एक एक करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। डर यही है, डर मंशा पर है कि ये बात केवल सर्वे तक नहीं रुक जाएगी। देखो मीनाक्षी, अभी अतिकुर रहमान और दानिश कुरैशी दोनों लोगों ने एक बात कही कि 1991 में जो कानून बना 47 के लिए, तो मैं पहले भी एक विषय रखा था कि श्रृंगार गौरी के दर्शन और इसमें परिसर में जाना, रोज जाना, ये 1947 से पहले भी भक्त जाते थे और 91 तक जाते थे। तो 91 का जो कानून है वो इसमें कहाँ लागू होता है जरा बता दें। 1947 के बाद भी लोग इसमें जाते रहे, पहले भी जाते रहे। दूसरी बात, हमारे अतिकुर रहमान साहब कह रहे थे कि निचली अदालत, तो हाई कोर्ट क्या करने गए थे आप? हाई कोर्ट में आपके सारे दावे को क्यों रिजेक्ट किया गया था? तो अगर वो भी कोई एक पक्ष है ना, उस पक्ष को मत छुपाइए आप। तीसरी बात यह है कि दानिश कुरैशी कह रहे थे कि वो नहीं, वो उनको अकबरुद्दीन का बचाव कर रहे थे। तो जब आप अकबरुद्दीन का बचाव करेंगे तो स्वाभाविक है आपका वक्तव्य सीधे सीधे आता है। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने बार बार एक बार देख लिया है कि आप हिंदू समाज को भड़काइए मत, दानिश कुरैशी मत भड़काइए, इसके बहुत बड़े दुष्परिणाम होते हैं। मैं ये कहता हूं आप मत भड़काइए। मंशा को लेकर सवाल उठा रही हूं, मैं मंशा को लेकर सवाल उठा रही हूं। अब जिस सेक्शन 3 की उन्होंने बात की कि कोई भी जहां पर पूजा का स्थल है उसकी ओनरशिप को आप बदल नहीं सकते, ये एक्ट कहता है, ठीक है, ये पूरा एक्ट मैंने पढ़ा है, लेकिन यहां पर मुद्दा ये है कि उन्हें आपकी मंशा पर शक है कि आज आप सर्वे की बात कर रहे हैं, कल आप मंदिर की बात करेंगे, आज आप काशी की बात करें, कल आप मथुरा की बात करेंगे, फिर आप धार की बात करेंगे, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। देखो मीनाक्षी जोशी, मैंने ये कहता हूँ कि कुछ जैसे श्री राम जन्मभूमि है, श्री कृष्ण जन्मभूमि है, श्री राम जन्मभूमि है और काशी विश्वनाथ है, ये तीन स्थान ऐसे हैं जो हिंदुओं के, संपूर्ण हिंदुओं के बड़े आस्था के केंद्र हैं। इनका इतिहास भी कुछ देखेंगे नहीं देखेंगे आप? ये जब औरंगजेब ने स्वयं स्वीकार किया इसके तोड़वाने के लिए, और राम जन्मभूमि का विषय आपके ध्यान में ही है कि उनके अपने दस्तावेजों में पाया गया, औरंगजेब के अपने दस्तावेजों में, तो उन दस्तावेजों को कोई मतलब नहीं है। उन दस्तावेजों को कोई मतलब नहीं है। आप पूरे देश के एक मिनट आप सिर्फ सर्वे चाहते हैं ना, आप केवल उसका इतिहास जानना चाहते हैं या उससे ज्यादा कुछ चाहते हैं? देखो हम ये कह रहे हैं कि वो काशी विश्वनाथ का प्राचीन मंदिर है और आज भी उसमें केवल नाम मस्जिद लगा दिया, ज्ञानवापी नाम की कोई मस्जिद हो ही नहीं सकती, वो शब्द से भी नहीं, नाम से भी नहीं, संस्कृति से भी नहीं, वो मस्जिद हो ही नहीं सकती है। आप एक समय लुटेरे आए, अपने उससे उसमें उस मंदिर को तोड़ा, उसी में उसी का ईंट गारा लगाया और लगाकर वहां बैठ गए। आज वो मंदिर क्यों नहीं हिंदुओं को दिया जाता? हम कहते एक, हम कोर्ट में गए, हम जाकर तलवार लेकर नहीं खड़े हो गए, जिस तलवार के बल पर उस मंदिर को तोड़कर वहां पर ढांचा खड़ा किया गया, हम तलवार के बल पर नहीं जा रहे। ये लोकतंत्र है, संविधान पे हमारी श्रद्धा है, हम संविधान के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से जा रहे हैं, कोर्ट का हम सम्मान करते हैं। जैसे सलम मणि जी ने कहा, आप ये कह रहे हैं कि आपको मंदिर चाहिए, आप कानूनी रास्ते से चल रहे हैं, अगर बिल्कुल 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 आपको मंदिर चाहिए। अब दानिश जी आप रिस्पॉन्ड करें, फिर मैं हासिक जी आपके पास आ रही हूँ। देखिए मैं विजय शंकर तिवारी जी से, मैं एक्चुअली में यही सुनना चाहता था। देखिए अभी आप क्या कह रही थी कि वो सर्वे मात्र चाहते, वो सर्वे मात्र नहीं चाहते, दरअसल ये मस्जिद भी नहीं चाहते, मंदिर भी नहीं चाहते। ये विश्व हिंदू परिषद कोर्ट में नहीं गया है, ना ही कोर्ट में विश्व हिंदू परिषद के आधार पर कोई सुनवाई हो रही है। मैं विश्व हिंदू परिषद के आधार पर कह रहा हूं कि वो हिंदुओं का स्थान है, मिलना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, मैं नहीं गया, विश्व हिंदू परिषद नहीं गया, बस आप बोलिए, बोलिए, बोलिए। अब आप मुझे एक बात ये बताइए कि मैं तो अभी वो एक्ट का हवाला ही दे रहा था जिसका सेक्शन 7 बिल्कुल साफ कहता है कि कोई भी वर्तमान कानून
वहां की ना फिजिकल और ना किसी तरीके की कोई भी स्थिति नहीं बदल सकता, चाहे वो किसी भी धर्म का धार्मिक स्थान रहा हो 1947 15 अगस्त से। तो आपने जो बात कही वो अच्छा तो क्लियर हो गई, अल्टीमेट पिटिशनर जो है जो वो उसमें जा रहे हैं उसमें 3 साल के सजा का भी प्रोविजन है, तो अभी तक सरकार ने उसके खिलाफ ऐसा नहीं किया। दूसरे मैं एक सवाल पूछूंगा, मेरा एक सवाल है विजयशंकर, मुझे ये बताइए क्या बद्रीनाथ मंदिर अगर बौद्ध आज मांगेंगे वापस तो आप दे देंगे उन्हें? दानिश कुरैशी, मैं बौद्ध की बात नहीं कर रहा हूँ, आपने कहा इसमें 3 साल की सजा का प्रावधान है। दानिश, पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप पहले तो मेरे खिलाफ 3 साल की सजा का प्रावधान कराइए, बिल्कुल मैं आपको खुली छूट देता हूँ 3 साल की मेरी सजा का प्रावधान कराइए। मेरी सजा का प्रावधान कराइए, मैंने मंदिर की बात कही, आप सजा का प्रावधान कराइए। नहीं दानिश, नहीं नहीं नहीं, आप वही आइए मेरे लिए 3 साल की सजा का प्रावधान कराइए। अरे सुनिए तो दानिश, कहकर नहीं भाग सकते आप, कहकर नहीं भाग सकते आप, ना 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 ना, कहकर नहीं भागने दूंगा आपको। ठीक है, शलभ मणि अपनी राय रखना चाह रहे हैं, बोले शलभ जी। बद्रीनाथ पे तो बोले ही नहीं। जिस कानून का हवाला दिया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि वर्शिप एक्ट और सारी बातें, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि स्टूडियो में जितने लोग बैठे हैं उनसे ज्यादा काबिल जजेस हैं, उनसे ज्यादा काबिल लोग हैं। ये मामला कोर्ट में है और जिन कानूनों की दलील दी जा रही है क्या कोर्ट को नहीं पता, क्या जजेस को नहीं पता? तो वहां जाकर कही ना, कोर्ट के भीतर जाकर कही है। क्या आप ये बोलेंगे कि नहीं साहब हम सर्वे नहीं होने देंगे या सर्वे के बाद ये मांग करेंगे? अरे कौन क्या मांग करता है, ये उसका अधिकार है, जो भी मांग कर रहा है उसका अपना अधिकार है। क्या आप किसी को, आप किसी की सोच पर भी आप रोक लगा देंगे? बाकी आपको जो कहना आप कोर्ट के भीतर जाकर कहिए, कोर्ट सारे कानूनों को समझती है। आप जिस कानून का बार बार ब्यौरा दे रहे हैं उस कानून के बारे में भी कोर्ट समझती है कि उस कानून के हम दायरे में रहते हुए उसे क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है। लेकिन आपने एक चीज तो दिखा दी कि कोर्ट ने जो निर्णय सुनाया आप उसको मानने को तैयार नहीं। आप एक तरफ कहते हैं कि हम बाबा साहब का संविधान मानते हैं, दूसरी तरफ आप ट्रिपल तलाक के पक्ष में है, उसके अलावा आप अभी सर्वे को मानने को पक्ष में नहीं है, और भी तमाम सारे चीजें जो बाई कोर्ट हुई हैं आप उनको मानने को तैयार नहीं है। तो कैसे माना जाए कि आप उनके पक्ष में है? और आपके जो लीडर है वो ऐसी भाषा बोल रहे हैं, वो जहर उगल रहे हैं, वो नफरत फैलाना चाहते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता ने, किसी बहुत छोटे से नेता ने बोल दिया होता तो आप सर पर पहाड़ लेकर घूमते कि साहब देखिए ये इनकी भाषा है, ये इनकी नफरत है, ये जहर उगल रहा है। आपके इतने बड़े नेता इतनी घटिया भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप माफी मांगेंगे उसके लिए? इतनी घटिया भाषा के लिए मीनाक्षी जी, मैं तो कहता हूं कि अगर इनके अंदर संस्कार है तो यहाँ टीवी चैनल पे आपका बहुत बड़ा चैनल है, बहुत महत्वपूर्ण चैनल है, इनके नेता जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं यही कहते हैं कि साहब गलत है, नहीं बोलना चाहिए ऐसी भाषा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।